बैक टू ए प्लस मॉर्निंग. हमारे साथ हैं वसी शाह साहब और इजाज वारिस साहब. इसमें हमने इजाज साहब कुछ नहीं ऐड किया सिवाय वारिस के. सोचिए अगर आपका नाम इजाज भट्ट होता तो क्या होता? क्या आप रिटायर हो चुके हो? नहीं नहीं नहीं. तो फिर आप निहारी खोलते? निहारी का वो रेस्टोरेंट है बट निहारी नहीं नहीं नहीं. वो भी तो थे ना एक बार क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे ना इजाज भट्ट साहब. मैं और आप किसी और लेवल पे. हम खाबों का सोच चुके हैं. ट्यून सुनी आपने? सच अ लव ट्यून. इस ट्यून पे आप कुछ सुना देना हमें. जी सुनाओ. हाँ नेकी और पूछ पूछ. तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. आला तुमसे मिलना बातें करना आपके लिए और आपके लिए लगता है. तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. क्या बात है. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. इजाज वारिस साहब अपना वीडियो कब निकाल रहे हैं? वीडियो देखें. अच्छा फ्यूचर प्लान में कोई सिंगिंग टाइप? देखिए नहीं, फ्यूचर प्लान्स अब ये हैं कि एक तो अभी मैं एसोसिएट हो गया हूँ. Within two years, inshallah, the highest rank professor बन जाऊँगा. Professor doctor इजाज वारिस बन जाऊँगा. और as a TV host, मैंने फिर अपने आप को थोड़ा अभी और अभी तो just आया अभी तो डेढ़ महीना हुआ है, दो महीने हुआ. Hosting के professor बनेंगे. लेकिन ये भी उसमें. तो वो जो professor doctor जहाँ बन रहे हैं उस जगह का नाम तो बताएं हमें. उसका नाम है फातिमा मेमोरियल. अच्छा माशाल्लाह. वहाँ के students अगर मुझे देख रहे हैं तो I love you students. और आप मेरा assets हैं, आप मेरा गरूर हैं. मेरे दो गरूर हैं, एक मेरे listeners मतलब और viewers obviously अब. अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं. नहीं पहले आप हमें फेवरेट ड्रामा अपना बताएं, अपना लिखा हुआ, फिर फ्यूचर प्लान. अपना लिखा हुआ असल में थोड़ा सा मुश्किल काम है. लाजिम बात है, सब आप सब पे मेहनत करते हैं. और आपने कितने ड्रामे लिखे अभी तक? मैंने अनुशे मेरे ख्याल में 50-60 से तो ज्यादा. एक मायने रखता है ये. Nice work. मैं दो सीरीज हमने की थी इत्तेफाक से, वो भी जियो पे चली थी, लिबास जी. और एक ताल्लुक. अच्छा. जो थोड़े से संजीदा जो इश्यूज हैं लाइफ के और लिटरेचर के करीब उनमें जो कहानियाँ थी वो मुझे ज़रा थोड़ा सा अपना काम जो है वो नस्बतन ज़्यादा पसंद है. पसंद आया. बाकी कमर्शियल है. और इवन अभी जैसे हमारे यहाँ चल रहा है ए प्लस पे मैं मोहब्बत और तुम जी. वो बल्कि बुनियादी तौर पर शाह बिलाल साहब जो हैं उनका आइडिया था और वो एक नॉवल था. फिल्म भी उस पे बनी थी और उसकी कास्ट भी बहुत बहुत अच्छी थी. रेशम है, बाबर अली है. एग्जैक्टली हाँ, वो सारे बबरिक शाह हैं. आमना इलियास हैं. आमना इलियास भी. अच्छा आप सेकंड लड़की. हाँ मैसेज इन अ बॉटल उसके ऊपर उससे बुनियादी तौर पे सारी उसकी इंस्पिरेशन है. फिर हमने अपने जो हमारा कल्चर है उसके मुताबिक उसे ढाला था और उसका भी रिस्पांस अच्छा है. वो भी उस पर भी हमने बड़ा इन्जॉय किया बिकॉज वो बड़ा पोइटिक एक रोमांस है उसका लड़के और लड़की का ना. वो उसकी बीवी मर जाती है और वो बॉटल्स में मैसेज और नज़में लिख के उसको भेजता अच्छा, रहता है. तो आई एंजॉयड लॉट ड्यूरिंग राइटिंग. आपको कभी यूं लगा है कि ये मैंने इतना कमाल ड्रामा लिखा है मगर इसको रिजेक्शन सही नहीं मिली, एक्ट वैसे नहीं किया गया लीड ने या सेकंड लीड या जो भी एक्ट वैसे नहीं किया जैसे कि मैं चाहता कि उसकी इंटेंसिटी या मैसेज कन्वे होता? मैं ये तो नहीं सोचता कि मैंने बहुत कमाल लिख दिया है और ये वैसा नहीं हुआ. ये एक कोई ऐसा ड्रामा जो आपने कुछ और सोचा और निकला कुछ निकला और. ऐसा ऐसा बहुत होता है. लेकिन लाजी बात है कि मैं अगर फिर उसका तस्करा करूंगा तो फिर उससे कुछ लोगों का नाम आता है, वो उनकी दिल आजारी होगी, वो मुनासिब नहीं है. लेकिन ऐसा होता है. लेकिन आप उनको क्या बताते हैं कि मैंने ऐसे नहीं सोचा था? नहीं फिर मैं उनसे बताता हूँ कि भैया की कीता है मेरे नजर से. बिकॉज ड्रामा जो है वो देखें ड्रामा जो है वो बहुत ज्यादा टीम वर्क है शदीद और उसमें सबकी परसेंटेज है, आपके प्रोड्यूसर की, आपके डायरेक्टर की, आपकी कास्ट की, आपके स्क्रिप्ट की और आपकी उस टीम की जो पूरी आपके साथ कैमरामैन और जो सारे आपके साथ सपोर्टिंग जो टीम होती और सबको एक ही लेवल पे आ हो जी. जब तक वो सारा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तब तक ड्रामा जो है वो एक हिट ड्रामा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. एक आइडिया मैं दे रहा हूं आपको. हाउ अबाउट क्या आप एक फिल्म लिखें, एक बात कर रहा हूं लॉलीवुड की जो तरसा हुआ है इस वक्त, शोएब मंसूर डायरेक्ट करें,
और कोई अच्छी सी कास्ट लें हम, क्या ख्याल है? जामी के लिए जो हमारे बड़े फेमस सॉन्ग कमर्शियल भी बनाते हैं वो हमने लिखी है और वो मेरे ख्याल में दिसंबर के एंड से वो शूट पे चली जाएगी। अच्छा शाह साहब मेरे लिए कब आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ ये बात सही आई है। मैं आप बताइए आप हुंदस बहुत जल्द नहीं नहीं बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द इंशाल्लाह बस बिल्कुल ठीक है सबने सुन लिया ये बात लॉक कर दी गई है। ए प्लस ही करेंगे कुछ इंशाल्लाह व्हाई नॉट। और आपका जो सीरियल है एक याद वो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कैच कर लूँ। अक्सर होता है ना कि वो टाइम इधर उधर हो जाता है। बहुत मुझे पसंद आ रहा है और जो उसका टाइटल ट्रैक है मतलब वो बस कमाल। फर्रुख आबिद साहब हमारे बड़े फेमस कंपोजर हैं उन्होंने कंपोज किया था राहत ने गाया है बहुत अमेजिंग गाया है बहुत अमेजिंग लिखा है कंपोज बल्कि वो नज़्म है बुनियादी तौर पे एक मेरी और नज़्म को कंपोज करना जरा मुश्किल होता है बहुत लेकिन फरूख बहुत ही जीनियस कंपोजर है। तो अब क्लोजिंग का वक्त है और हम जाने लगे हैं मगर हम कल दोबारा मुलाकात करेंगे और आप लोगों से इंशाल्लाह आई होप कि बहुत जल्द मुलाकात हो। और थैंक यू सो मच इजाज़ बहुत अच्छा लगा इतने आपने स्पॉन्टेनियस स्पोर्टिंग तरीके से हमारा साथ दिया गाने छाने गाए बहुत मजा आया। और थैंक यू वसी शाह साहब इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू इट वॉज अ प्लेजर डूइंग अ शो एज अ होस्ट विद यू और कोई गलती हो गई हो तो माज़ूर नहीं नहीं और मेरे लिए भी ऑनर कि मैंने आपके साथ बैठा मतलब आपका ऑनर ये नहीं था कि आप हमारे साथ आप लोग तो देखिए अपने यहाँ होंगे ना ये प्लस पे तो अब तो आप रहेंगे ना माशाल्लाह दो दिन आएंगे अब तो मजा आएगा और भी। अच्छा सुना है कि सब लोग कुछ मिलके गाएंगे मैं सिर्फ तालियां बजा के साथ दूंगी ये तीनों जो बॉयज है ना बॉयज मैं डांस कर दूंगा मैं डांस कर दूंगा ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी बात बॉयज वाली है वो एक बाबा जी थे ना बड़े पुराने जी तो उन्होंने कुछ छठी सातवीं शादी की उम्र उनकी थी कुछ 90 ईयर्स ओल्ड थे तो किसी ने पूछा कि बाबा जी तुसी की मतलब तुहाड़े पल्ले की रह गया तो तुसी उनकी करदे हो कहंदे कुछ भी नहीं जो तो ब्याह करना वा और वो कहंदे ना मुंडे नू लेके आओ तो बस तसल्ली जी हो जांदी सिर्फ उस एक जुमले के लिए मैं बार 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 शादी करूंगा दिल नू ठंड पे जांदी मुंडे नू लेके आओ। चलें जी इसी नोट पे खुदा हाफिज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ईच अदर कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी होंगी नहीं होंगे मुंडा ते कुड़ी मुंडा ते कुड़ी अनुष असद एंड जुनैद यूनुस एक गाना गाएंगे सब मिलके खुदा हाफिज़ सी यू टुमारो। देखने की